फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है FZS सुजुकी जिक्सर और फेजर में जो टायर लगता है, मतलब टायर का साइज होता है 140/17। ठीक है, तो हमारे पास दोनों टायर का कंपनी है, पहला है MRF, दूसरा है FLO। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टायर बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, तीनों जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मैं सिलेक्ट किया हूँ। पहला है वारंटी, दूसरा है कितना किलोमीटर तक चलेगा, और तीसरा है प्राइस क्या है। ये तीनों पॉइंट में हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा टायर आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है MRF का टायर। तो फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था, वारंटी कितना साल तक कंपनी देता है। ये जो टायर है आप लोगों को 1 साल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जब होगा तब भी आप लोगों को रिटर्न में मिल जाएगा, तभी तो नहीं होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, टायर में कभी कभी अंदर जो ये रेडियल टायर है, रेडियल टायर मतलब इसका अंदर स्टील होता है, स्टील कभी कभी क्या होता है टूट जाता है। इसलिए जो अंदर का जब एयर होगा, एयर क्या होगा बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो टायर जो होता है ये फूल जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, टायर आप वो राइड करने में प्रॉब्लम होगा, तब कंपनी आप लोगों को ये टायर क्लेम में दे देगा। ठीक है, जो क्लेम होता है, क्लेम मतलब जो रिटर्न, जब आप लोगों को टायर न्यू टायर जब देगा, आप लोगों को थोड़ा सा अमाउंट लग सकते हैं, क्योंकि मान लो कि आप 1 महीने तक ये टायर आप लोगों को बाइक में लगा हुआ है, इसीलिए क्या हुआ, कंपनी ये क्लेम करता है कि थोड़ा अमाउंट दे के ये पास हो जाता है। ठीक है, यह वारंटी का। और दूसरा जो पॉइंट आता है, ये कितना किलोमीटर तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को आराम से 35 से 40 हज़ार तक आराम से चलेगा। ठीक है, 35 से 40 हज़ार तक ये जो टायर है आराम से चल जाएगा, क्योंकि MRF का जो रबर क्वालिटी है थोड़ा सा हार्ड होता है, दूसरा कंपनी से बहुत ही हार्ड होता है। इसके बाद आते हैं इसका प्राइस कितना है। ठीक है, तो ये जो टायर है रिवेंज Y, इसका जो प्राइस है ये आप लोगों को मिल जाएगा 3,500 रुपया, 3,500 में ये जो टायर है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है FLO का टायर। ठीक है, Alpha S1 इसका मॉडल नंबर है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो आता है, कितना साल तक वारंटी FLO देता है। FLO कंपनी ये जो टायर है इसको 2 साल तक वारंटी के साथ देते हैं, अनकंडीशनल वारंटी। मतलब वो जो पहले ही बोला कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जब होगा तब आपको ये जो टायर है क्लेम में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है, ये जो टायर है कितना किलोमीटर तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, MRF का जो टायर था वो हार्ड टायर था, इसीलिए 35 से 40 हज़ार तक आराम से चल जाएगा। ठीक है, मगर ये जो टायर है FLO का, ये थोड़ा सा नरम टायर है, सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इसका जो रबर क्वालिटी है वो MRF से बहुत सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, ये जो टायर है 30 से 35 हज़ार चलेगा। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है, तीसरा जो पॉइंट है इसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, इसका प्राइस जो है ये लगभग आप लोगों को मिल जाएगा 3,400 में, इस ये जो टायर है आप लोगों को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप आते हैं कौन सा टायर आप लोगों को ख़रीदना है, FLO या MRF। तो फ्रेंड्स, पहले आते हैं FLO का टायर के बारे में। तो FLO का जो टायर होता है बहुत ही नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए क्या होगा, पंचर थोड़ी देर चलने के बाद पंचर होने का बहुत ही संभावना है। मगर MRF का टायर क्या होगा, हार्ड टायर है, इसीलिए पंचर बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, 100 रुपये के मामले में आप लोग MRF की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और फ्रेंड्स, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कौन सा रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।